तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए ब्लॉग पे। तो अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी समय 4:10 हो रहा है दोस्तों। और थोड़ा बहुत अभी पानी गिरा था और उसके बाद फिर से धूप आ गया है, जैसे कि बाहर आप देख सकते हो। और यहाँ का बाजार फिलहाल अभी थोड़ा बहुत लग गया है और लगना स्टार्ट हो गया है। रंजीत उधर है, नाम नोट कर रहे हैं, सिस्टर इस साइड बैठी है, से उधर रेस्ट कर रहे हैं और अपन यहीं बीच में बैठे हैं अपने फार्मेसी वाले केबिन पे, बीच मेन केबिन पे। तो हवा हवा तो थोड़ा बहुत आ रहा है पर गर्मी का प्रकोप बहुत ज्यादा है। और अभी 10-12 पेशेंट आ चुके हैं, दो घंटा और है। अभी 2 घंटे में देखते हैं अभी कितने पेशेंट आ जाते हैं। तो ऐसे ही ब्लॉक पे बने रहिए आप। 4 साल लीजिए सुबह साल है। खांसी आता है कि बुखार में? ले जाइए, पिलाएगा एक एक ढक्कन। ठीक, नाम क्या है? जगह सर। पिताजी का नाम? सर। उमर? उमर तो देख लीजिए, कम से कम 70-73 हो रहा है। ठीक है अंकल जी, एंजॉय कीजिए, पानी वानी पिलाइए। कौन को दिखाओ, इधर घुमाओ, चेहरा में भी हुआ था का? इधर भी हुआ है, अंदर इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। कितना दिन हो जा रहा है? 3-4 दिन। खुजली भी होता है बाबू? खुजली नहीं होता, जलन तो नहीं होता? पेट में दर्द भी है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो पूरा बाजार लग गया है और दोस्तों गर्मी अभी एकदम जबरदस्त लग रहा है और चारों साइड का माहौल आप देख ही सकते हो। उधर भीड़ भाड़ थोड़ा लगा हुआ है। सीओ बोल रहे थे बहुत ज्यादा गर्मी है यार, अपन लोग बहुत देर से झेल रहे हैं। और इस समय इस साइड आइए बाबा, चलिए तो पीछे कहा हो गया, चलिए। चक्कर मारता हो या किसी भी प्रकार का घबराहट लगता हो तो बिल्कुल यहाँ पर बीपी शुगर मुक्त में जांच किया जा रहा है। आ जाइए इधर आइए। या किसी भी प्रकार का दाद भाव पेशेंट उनको देख लेते हैं दोस्तों। चलिए बाबा आइए, तो अंदर आइए ना। बैठ जाइए, बैठिए। हाँ, क्या दिक्कत हो रहा है? थोड़ा थोड़ा निकलता है, जलन होता है का? हाँ, जलन आता है। दर्द भी होता है? दर्द दर्द हाँ। कितना दिन से हो रहा है बाबा? 15-16 दिन से हो रहा है। ठीक है, कौन सा वाला दांत है? यही वाला, ये जो सामने दिख रहा है वाला। काला, ये जो काला काला हो गया। हाँ। कितना दिन हो जा रहा है वैसे हुए? 1 सप्ताह। अच्छा, बीपी शुगर तो नहीं है? ठीक, पेट ठीक से साफ होता है? हाँ। पेट में कोई जलन तो नहीं है? नहीं है। उल्टी तो नहीं लगता? उल्टी जैसा नहीं। और पेट में जलन? जलन भी नहीं। ठीक है,
इंटेक दे दीजिए डॉक्सी लैक्टिक एसिड। आज तो सिस्टर अपने मन का कर के ही मानेंगी। और नहीं देता है सर, यहाँ पे इंटेक दे दीजिएगा। दांत में दर्द हो रहा है, इन्फेक्शन भी है। ये लीजिए सुबह शाम खाना खाने के बाद। हाँ। सुबह शाम खाली पेट में डाइक्लोफेनिक खाली पेट में बिना खाए। हाँ ये वाला। हाँ पहले खाना है इसको, पहले खा लेना खाली पेट में। हुँ. इसको सुबह शाम खाना खाने के बाद, ये भी सुबह शाम रहेगा। इसको भी सुबह शाम खाना खाने के बाद। ठीक, खाना खाने के बाद। हाँ, आपका नाम बताइए। राम नारायण। आपके पिताजी का नाम? साधु। कहाँ से आए हैं? सिनेरिया। वो कंपटीटर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, पंखा चालू है, पंखा बंद करने का जो प्रोग्राम है वो चल रहा है। अब सिर को नीचे, सिर को नीचे कर। ये पंखा क्या है कि गर्म हवा देता है, बट एक जो पार्टी है उसको पंखा पसंद है, दूसरा पार्टी को पंखा नहीं पसंद है, दूसरा पार्टी अपना चेहरा छुपा रहा है। सर आप डाल देते अपने से। और ये अपन जरूर ऐड करेंगे ब्लॉग में, ब्लॉग में ये ऐड होगा। कपड़ा सिलाया हुआ दिख रहा है आपको, इसको कौन सिलाया? डाबर का आता है, डाबर का, डाबर। हाँ डाबर का लॉन्ग लॉन्ग रहता है, कोलगेट या फिर पाउडर आता है दांतों में मिला के। कोलगेट तो लगाते होंगे ना। और देखिए दोस्तों, पंखे की वजह से अभी लड़ाई चालू है, घमासान एकदम। अपना मुंह मेरे से चुपार। यही तो लाइफ स्टाइल, डेली लाइफ का यही तो ब्लॉग है, जो होते रहता है उसी को तो शूट करना रहता है, जो हो रहा है। मुंह छुपाने से लड़ाई नहीं छुपता है, समझ में आया ना? लड़ना खांसी भी आता है इसको, रात में जगह चेंज, पोजीशन चेंज, वेरी गुड। लड़ाई का एक बहुत अच्छा समाधान निकला है दोस्तों, जगह ही बदल लिया गया है। हवा वाला पार्टी उधर चला गया, बिना हवा वाला पार्टी इधर है। टेस्ट अच्छा है पर चटनी अच्छा है। बेकार चटनी था, तो गाढ़ा करवा के उसको थोड़ा तो दिया है वो अंदर जो रखा था। आम है उतना देर से, इनको क्यों नहीं लाए आप? अभी आ रहा है शाम के लिए। इधर आओ, जाइए उस साइड, बुला रहे हैं। ऐसा क्यों है? चलिए धीरे धीरे बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए। चलिए में आप आते हैं, हमको भी लिखना रहता है दवाई ना कितना प्रकार का दिए, थोड़ा सा आ जाया करिए, बाजार में तो रहते हैं। चलिए ठीक लिखा हो गया मैडम, चलो। अच्छा दिमाग में प्यार से दीवाना, क्या गिर गया दीवाना। आज जाइएगा कैसे?
दर्द यही मिलेगा देंगे सिस्टर देवन से। काम चालू है। अरे दे दो ना दीजिए उनको ना भैया। चलते हैं यार, आप सबको तो दे दीजिए दवाई। कंटिन्यू बनाते रहिए आप लोग। हाथ ही में क्या क्या लग गया, हाथ में काला काला। हाँ तो दोस्तों, आज का जो ब्लॉग था यही पे एंड करते हैं। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं।